हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्मियों के मौसम में आपको कौन ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है, या अगर आपकी अदा शक्ति कमजोर हो गई है, अनिद्रा की समस्या से परेशान है, हाई बीपी की समस्या आपको है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में नहीं रहता है, या आपको आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, आपके शरीर में बहुत सारे रोग हैं जैसे कि हड्डियाँ कमजोर हो गई हैं, घुटनों में जोड़ों में दर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है, या आपके हाथ पैरों में दर्द होता रहता है, और सबसे बड़ी समस्या जो कि आजकल ज़्यादा बच्चों में देखने में आ रही है या बड़ों में भी देखने में आ रही है, वो है अदा शक्ति का कमजोर होना। बहुत जल्दी जल्दी आप हर चीज को भूल जाते हैं, कोई भी बात आपको याद नहीं रहती है और आपको अनिद्रा की समस्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कई ऐसे सारे नुस्खे बताने वाली हूँ, कई ऐसे खाने वाली चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो 100% आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। खास करके जो लोग हाई बीपी की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसके लिए मेडिसिन का प्रयोग करते हैं लेकिन उनका जो बीपी है कंट्रोल नहीं रहता है, हमेशा बढ़ता ही रहता है, तो उनके लिए वीडियो और भी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं खाने वाली चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ उसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो 100% आपका बीपी जो है कंट्रोल हो जाएगा। और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं या शुगर के मरीज हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कई सारे नुस्खे बताने वाली हूँ जिसका गर्मियों में प्रयोग करना आपके सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो पहले नुस्खे के लिए आपको अलसी का प्रयोग करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलसी जो है आपके सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, खास करके गर्मियों के मौसम में इसका प्रयोग सभी को करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है ठंडी होती है, जिसके वजह से अगर आप गर्मियों में अलसी का प्रयोग करते हैं तो गर्मी की वजह से जो एलर्जी होती है आपके शरीर में, आपके शरीर के अंदर की गर्मी की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो अलसी के प्रयोग करने से नहीं होती हैं, और अलसी के प्रयोग करने से आपका पेट भी बहुत ही ठंडा रहता है, जिससे आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है, हेयर फॉल की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है अगर आप अलसी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अलसी का प्रयोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। इसके तरीके के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ कि अलसी जो है आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए रामबाण इलाज माना जाता है। तो जो लोग हाई बीपी की समस्या से परेशान रहते हैं, उनका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, नॉर्मल कभी होता ही नहीं है, मेडिसिन का प्रयोग भी कर रहे हैं फिर भी, तो मैं आपको कहूंगी कि आप अलसी का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। आप लगातार इसे 2 महीना प्रयोग करके देखिए, क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने भी अपने वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप लगातार 2 महीने से 2 से 2.5 महीने तक अगर अलसी का प्रयोग कर लेते हैं तो आपका बीपी हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि रामबाण इलाज माना जाता है अलसी आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए। और यहां तक कि अगर आपको नस में ब्लॉकेज आती है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, या आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में अलसी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, यानी कि आपके हृदय को स्वस्थ रखने में भी अलसी रामबाण इलाज की तरह काम करता है। इसके अलावा जो अलसी है आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने का काम करता है, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप अलसी का प्रयोग या अलसी अपने डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नियंत्रित रहता है, और इससे इसके प्रयोग करने से आपका यादाशक्ति भी बहुत ही तेज होता है, प्रयोग करने का तरीका अलग होता है। तो आप बहुत तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप इसका कच्चे फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसे भूनकर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आप 1 चम्मच अलसी ले लीजिए, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अलसी को भिगोकर रख दीजिए रात भर के लिए। रात भर में जो अलसी है फूलकर बिल्कुल ही इसमें का जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा पानी के अंदर आ जाएगा। इसे हल्का सा सुबह में आप इसे हल्का सा बॉयल कर लीजिए, बॉयल करने के बाद अलसी को छान कर इसे चबा चबा कर खा लीजिए और इस पानी को खाली पेट सुबह में पी लीजिए। इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप अलसी का प्रयोग भून कर सकते हैं, आप इसको भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए और डेली 1 चम्मच भुने हुए अलसी का प्रयोग कीजिए। खाने में आप कर सकते हैं, सलाद में छिड़क कर सकते हैं, सब्जी में मिक्स करके कर सकते हैं। अगर आप इसे भून कर डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं तो आप इसे भून कर इसका पाउडर बना लीजिए और तब इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि खास करके गर्मियों के मौसम में इसका प्रयोग करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इसलिए आप इसे बनाकर इसके पाउडर को बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि हमने भी इसके पाउडर को बनाकर रख लिया है और हम भी इसका प्रयोग करते हैं डेली। कोई भी इसे प्रयोग कर सकता है क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आप इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा जो है काली मिर्च और काला
काला नमक भी ऐड कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा। अदरवाइज आप इसका ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं बिना कुछ मिक्स किए, क्योंकि भुना हुआ अलसी जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में, तो आप इस तरीके से अलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आपको इसे दूध में डालकर करना है। आप इसका पाउडर बना लीजिए और एक चम्मच अलसी के पाउडर को एक गिलास दूध में डालकर तब इसका प्रयोग कीजिए। इससे आपकी अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी, यादाशक्ति स्ट्रांग बनती है, तेज होती है और आपके घुटनों में जोड़ों में दर्द की समस्या है वो भी दूर हो जाती है, हड्डियां मजबूत बनती है। तो जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको एक गिलास दूध में एक चम्मच अलसी के पाउडर का प्रयोग डेली रात को सोने से पहले करना चाहिए, इससे उनको काफी फायदा मिलेगा। या जो लोग बात को हमेशा भूल जाते हैं, उनकी यादाशक्ति कमजोर हो गई है, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिनको अनिद्रा की समस्या, नींद नहीं आती है और यादाशक्ति को बढ़ाना है, जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या छुटकारा पाना है, तो दूध के साथ करना है। अदरवाइज जैसे मैंने अलसी के पाउडर का प्रयोग करना बताया वैसे कीजिएगा, इससे आपको हाई बीपी में काफी फायदा मिलेगा और भी आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि मैंने वीडियो में बता दिया। अब मैं आपको दूसरा घरेलू नुस्खा बताती हूँ। इसके लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है, पहला अलसी, दूसरा बादाम और तीसरा जो है सफेद तिल। अलसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है और बादाम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बादाम आप सभी जानते हैं कि आपकी यादाशक्ति को बढ़ाने का काम करता है और इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी स्किन को और हेयर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, दिल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप डेली बादाम को भिगो कर खाते हैं तो इसके आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ उसमें आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आपको यहाँ पे दूसरे इंग्रेडिएंट्स में बादाम का प्रयोग करना है, तीसरे में आपको सफ़ेद तिल का प्रयोग करना है जो कि आपके ज्वाइंट पेन की समस्या छुटकारा देने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि सफ़ेद तिल में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है, यादाशक्ति को इम्प्रूव करता है और अनिद्रा की समस्या से आपको छुटकारा दिलाता है। अगर आपके शरीर में कमजोरी, थकान की समस्या हो गई है, खून की कमी हो गई है तो इसको दूर करने में सफ़ेद तिल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अलसी को भून लेना है, बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लेना है और यहाँ पे सफ़ेद तिल को भी भून लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को आप चाहें तो अलग अलग पाउडर बना सकते हैं या एक में ही आप पाउडर बना लीजिए, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिए और तीनों चीज़ों को एक में मिक्स कर दीजिए। अब इसका प्रयोग आपको डेली रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में एक चम्मच इस पाउडर को डालना है और सोने से 30 मिनट पहले आपको इसका प्रयोग करना है दूध के साथ और फिर सो जाना है। इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में जो भी कमजोरी, थकान की समस्या है, खून की कमी हो गई है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, आपकी हड्डियां मजबूत बनेगी, जोड़ों में घुटनों में जो दर्द की समस्या होती है, आपकी हड्डियों से कटकट की आवाज आती है तो हड्डियों से कटकट की आवाज आना बंद हो जाएगी और आपकी यादाशक्ति को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। तो जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको तो खास करके इन तीनों चीजों के पाउडर का प्रयोग जरूर से करना चाहिए दूध के साथ, या जो भी बुजुर्ग हो गए हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि यादाशक्ति बढ़ाने के साथ साथ उनके जोड़ों और घुटनों की दर्द की समस्या से भी छुटकारा दिलाएगा। तो ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने यहाँ पे आपको दो घरेलू उपाय बताया है, एक अलसी के बीज का प्रयोग करना किस किस तरीके से करना है वो भी मैंने बताया है और यहाँ पे मैंने तीन चीजों का प्रयोग करना बताया है जिसका पाउडर बनाकर आपको प्रयोग करना है, उस तरीके से आपको प्रयोग करना है। दोनों के दोनों रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, दोनों को आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि अभी गर्मियों का मौसम है तो आप अलसी के बीज का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, आपके शरीर के बहुत सारे रोग ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस नुस्खे को ट्राई कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।